मगर आज स्कूल में पढ़ी हुई उस लकड़हारे की कहानी याद आ गई सर, जो अक्सर लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए चिल्लाया करता था, शेर आया, वो सारा गांव उसकी मदद को दौड़ पड़ता था, पर वह कोई शेर नहीं होता था। एक दिन सचमुच का शेर आया। उसने तो बहुत चिल्लाया कि शेर आया, मगर उसकी मदद को तब कोई नहीं आया। वही हाल मेरा भी है आज सर। कल तक मैं झूठ बोलता था तो सारा जमाना विश्वास करता था, और आज मैं सच बोल रहा हूँ तो एक भी इंसान विश्वास नहीं कर रहा है। हालात शेर बनकर मुझे खा रहा है, मगर जमाना मेरी हालत पे मुस्कुरा रहा है। अपने को कामयाबी के लिए सोचेंगे तो बहुत कम मेहनत करेंगे। पढ़िए ऐसा कि देर से दो साल में इतना आगे बढ़ना है कि पूरा गांव शान से कहे कि हमारे गांव का लड़का था। समझ आ रहा कि नहीं आ गया? आज बताओ नीतीश कुमार के गांव के लोग कैसे कहते होंगे, अरे हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री है। मोदी जी के गांव का आदमी कैसे कहता होगा, प्रधानमंत्री हमारे, कैसे? जब आपकी सफलता बहुत छोटी रहेगी केवल आपका परिवार खुश होगा, लेकिन जब सफलता बहुत बड़ी होगी पूरा क्षेत्र खुश होगा। तो जिंदगी में बनना तो जंगल का शेर बनना, चैलेंजेस होने चाहिए। आराम से दो टाइम पर खाना मिल जाएगा वो तो सर्कस वाली कहानी है, मुझे सूट नहीं करती। जंगल में रहे, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन शान से जिएंगे। 100 साल की नालायक जिंदगी से 30 साल की साले शानदार जिंदगी ज्यादा अच्छी, क्योंकि लोग साला तुमको जीने नहीं देंगे। मैं तुमको पहले बता दूं, एक आदमी फलों के बाजार में फल बेच रहा था, तो उसने पीछे बोर्ड लगाया हुआ यहाँ ताजे फल बेचे जाते, तो एक हस्बैंड वाइफ निकले वहाँ से, उन्होंने बोला भैया ये फलों का बाजार है, यहाँ ताजे फल बेचे जाते हैं का क्या मतलब है, यही तो बेचोगे, कहीं और थोड़ी बेचोगे, तो यहाँ हटा दो, यही तो बेच रहे हो, तो लाइन गलत है। उसने बोला ठीक है मैडम, उसने यहाँ हटा दिया, ताजे फल बेचे जाते हैं। तो एक दूसरा आदमी आया, बोला ताजे ही बेच रहे हो कि सड़े गड़े बेच रहे हो, ताजे काहे को लगाए रहे? तो आदमी ने कहा बात तो ठीक है, ताजे ही तो बेच रहा हूँ, तो लिखने की क्या जरूरत है? बोला ताजे हटा दो। एक और आए हुजूर महाराज, ने बोला फलों का ही बाजार है, फल बेच रहे हो कि खिलौने बेच रहे हो? बोला फल बेच रहा हूँ, तो बोले फल हटा दो। बोला अच्छा। एक और आया, उसने बोला बेचने के लिए ही तो बैठे हो, तो बेचे जाते हैं का क्या मतलब है? उसने बोला सब हटा देता हूँ। उसका बोर्ड साफ हो गया। एक और आदमी आया, बोला इतना साफ बोर्ड है साला, कुछ लिखता क्यों नहीं रहे? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, क्योंकि लोग साला तुमको जीने नहीं देते। ध्यान से सुनना, पूरी दुनिया गुड़ खाती है, थोड़ा व्हाइट देना, व्हाइट कलर में टफ मरेगा। वो गुड़ खा जो भारत में भैंसों को खिलाते हैं ना मूर्ख लोग, काले वाला असली सामान वो है, असली असली माल वो है, असली देसी चीनी। व्हाइट कलर जो आती थी ना, अब जो व्हाइट बिल्कुल कैंसर का कारण है, वो असली नहीं है, 13 साबुनों से धो दी गई है। प्रकृति में असली चीजें जो होंगी क्वालिटी, वो डार्क कलर में होंगी। लोग टिंडे छील लेते हैं, खीरा छील लेते हैं, सबको छील रहे हैं, क्यों? इसके ऊपर पेस्टिसाइड छिड़के हैं। उस छिलके में पेस्टिसाइड हजारों बार छिड़कने के बाद भी उसके खुद के इतनी ताकत है कि उसको तू खा ले, पेस्टिसाइड से वो लड़ लेगा। अच्छा करेले तो लोग छीले बिना बनाना मुश्किल हो जाता है, कभी नहीं छीलते हम। थे कि बेटा अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, जिंदगी बहुत आगे बहुत मौके देगी अपने आप को प्रूव करने के, बट हाँ ये जो मौका मिला है इसको भी आपको नहीं छोड़ना है। समझ में आएगी नहीं समझ? प्लीज पढ़ते रहें। कोई भी परेशानी वाली, मैं देख रहा था कुछ बच्चों से मेरी इंटरेक्शन हुई जिनके नंबर नहीं अच्छा है, तो वो बड़े उदास हैं, परेशान हैं, सर अब कैसे होगा, जिंदगी बर्बाद, ये सब बातें मत आने दो दिमाग में, ठीक है? अगर आपको अपनी एनर्जी कहीं लगानी है, तुम हो ना स्ट्रांग हो, तो वो इस बात को झेलने में लगाओ कि हाँ अब कुछ खराब नहीं होगा, नहीं होगा 100%, ठीक है? तो प्लीज पढ़ाई पे फोकस करते रहो। हाँ। एक बहुत अच्छे गुरु थे, बहुत अच्छे शिक्षक थे, और अपने बच्चों को जीवन में जब भी कोई ज्ञान देते थे कहकर नहीं देते थे, प्रैक्टिकल करके देते थे। तो एक दिन शिष्य को लेके गए जंगल की तरफ, और जंगल की तरफ ले जाने के बाद पहला प्रैक्टिकल बोला उन्होंने, बेटा एक इतना सा पौधा था इसको उखाड़ो बेटा। तो उसने उखाड़ दिया। जंगल में और आगे गए, लगभग इतना बड़ा पौधा था, उखाड़ो बेटा। उखाड़ दिया, इतना बड़ा पेड़ था, उखाड़ो बेटा। शाम तक का टाइम है बेटा, गुरुजी 10 साल में भी नहीं उखाड़ पाऊंगा। बस बेटा आदतें अब तक जो बड़ी बड़ी बन गई उनका फार्मूला तो बता दूंगा, लेकिन अब जिंदगी में नई आदत कौन सी डल रही है उसको कंपाउंडिंग होने से बचाना, और अच्छी आदतों को कंपाउंडिंग करने के लिए लगाना।